ये सिटी इतनी जबरदस्त है कि यहाँ की रामलीला भी यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में आती है, और यहाँ रेन गॉड्स को प्लीज करने के लिए फ्रॉग्स तक की मैरिज करवा दी जाती है। यही नहीं, आयुर्वेदा का ओरिजिन भी यही माना जाता है। इसे एक म्यूजिक वंडर भी कहा जा सकता है, जहाँ रविशंकर से लेकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और कई लेजेंड्स की रूट ये रह चुकी है। गेस नहीं कर पाए, अगले फैक्ट से समझ जाओगे। यहाँ के कोतवाल खुद काल भैरव को माना जाता है, जिनसे हर ऑफिसर परमिशन एंड ब्लेसिंग लेते हैं बिफोर टेकिंग चार्ज। और इसे सिटी ऑफ भारत रत्नास भी कहा जा सकता है, जहाँ से हमें 5 भारत रत्न मिले हैं। अभी भी समझ नहीं आया, अरे यहाँ की सिल्क साड़ियाँ भी तो खूब मशहूर है। यहाँ तक कि ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिटी है, और एशिया की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी भी यही है। इवन लिटरेचर में भी ये पीछे नहीं है, चाहे तुलसीदास हो या प्रेमजन, इसी मिट्टी ने बहुत सारे हुनर को जन्म दिया है। मंदिरों और घाटों से बिज्वेल्ड इस सिटी को स्पिरिचुअल कैपिटल ही नहीं, इंडिया की स्पिरिचुअल सोल भी कहा जा सकता है। अब समझ गए ना, तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ। एंड टिल देन, डिस्कवर लव एंड सेलिब्रेट।